मास कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन ज्वेलरी। ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो आज की ज्वेलरी में होने वाले हैं नेकलेसेस और हेयर एक्सेसरीज बहुत सारे। मुझे हेयर एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखो, साड़ी पहनती हूँ मैं, जब भी लहंगा पहनती हूँ तो मैं हमेशा एक जूड़ा बनाती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत अच्छी अच्छी हेयर एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती है। मैं बाल नहीं खोलती हूँ ज़्यादातर, सूट वगैरह में तो खोल लिए, साड़ी वगैरह में मैं कभी नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ जो है ना वो शॉर्ट है और वो साड़ी और लहंगा के ऊपर छोटे छोटे से बाल अच्छे नहीं लगते मुझे। तो मुझे चाहिए भाई बढ़िया सा जूड़ा बना लो और हेयर एक्सेसरीज़ यूज़ कर लो। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मस्त वाली हेयर एक्सेसरीज़ और ब्यूटीफुल से नेकलेसेस। अमेजोन पर चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल, जो कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। जाइए, ज़रूर शॉपिंग कीजिए, क्योंकि अभी आपको मिल जाएंगे ज़बरदस्त वाले ऑफ़र। मतलब इतने मस्त डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिल जाएंगे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ दिन पहले मैंने एक ना बोट के एयरपॉड्स आपके साथ शेयर किए थे। मैंने जब वो मंगवाए थे वो 1499 के थे, और कल जब मैं देख रही हूँ तो वो 899 रुपीज़ में मिल रहे हैं। मतलब अब तो मन कर रहा है एक और ऑर्डर कर दूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी ज्वेलरी जो मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गई। देखो, ये सब ना मेरे कार्ट में पहले से ही थी, मेरे कार्ट में अभी भी ना 150 चीज़ें होंगी। मैं जब भी कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, और उसमें जैसे ही डिस्काउंट आता ना तो मैं फटाक से उसे ऑर्डर कर देती हूँ। ये सारी डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने मंगवाई है। 3 तारीख को मैंने मंगवाई, 4 तारीख को मेरे पास आ भी गई। मस्त वो शिपिंग भी हो जाती है मेरे पास तो 1 डे डिलीवरी में। आज भी मेरे बहुत सारे कोरियर आने हैं अमेज़ॉन से, क्योंकि मैंने कल रात को बैठ के भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो डिस्काउंटेड प्राइस पे थे वो और मंगा डाले। तो सबसे पहले बात करती हूँ इस वाले नेकलेस की। वाइट मोती और गोल्डन कलर के इस तरीके का काम हो रहा है इसका। इसमें आपको बीट्स का काम मिलता है वाइट कलर की, और स्टोन का काम मिलता है। 3 लेयर नेकलेस होने वाला है ये, और इसके साथ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स भी मिलते हैं। बहुत ही प्यारा है, मैंने तो अभी टी शर्ट के साथ पहन रखा है तो भी बहुत मस्त लग रहा है। सूट के ऊपर, साड़ी के ऊपर जब आप इसे पहनोगे ना, इसकी लुक ही अलग आने वाली है। देखो, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो उस टाइम के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि गोल्डन और वाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आप किसी भी कलर के साथ पहन सकते हो। इसके लिए आपकी कोई कलर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मोती हार पीछे से एडजस्टेबल है ये, तो आप चाहे तो इसको और लंबा करके भी पहन सकते हो। जैसे आपने ऊपर कोई चोकर पहन रखा है तो आप इसे नीचे लंबा करके पहन सकते हो। ईयरिंग्स की अगर मैं बात करूँ, इसे आप अकेले भी पहन लोगे ना तो भी बहुत मस्त लगने वाला है। चलो फिर सेकंड नेकलेस आपको दिखाती हूँ, और वो होने वाला है कुछ इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ है मुझे। मैंने अभी तक इसे कम्प्लीटली ओपन नहीं किया है। ये आप देख सकते हो, इसमें ना बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का मीनाकारी का काम हो रखा है। ये आप देखिए, स्टोन वर्क और मीनाकारी, बहुत खूबसूरत है ये। और ये काफ़ी अफोर्डेबल नेकलेस था, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना सस्ता और इतनी मस्त क्वालिटी का आएगा। सस्ता था तो मुझे लग रहा था थोड़ी सी हो सकता है क्वालिटी ऊपर नीचे हो, बट नहीं भैया, क्वालिटी बहुत मस्त है इसकी। मैं आपको एक बार इसे नज़दीक से दिखाती हूँ। ये आप देखो, इसमें ना सारे में ये फ्लावर्स जो हैं ये हैंड पेंटेड हैं, और पूरा ऊपर से स्टोन वर्क हो रखा है। तो अगर आप आने वाले फेस्टिवल में पिंक कलर की कोई ड्रेस पहनने वाले हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। वैसे कॉन्ट्रास्ट में भी ज्वेलरी बहुत मस्त लगती हैं, और ये चांद शेप का है जो नेकलेस ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा, बहुत प्यारा है। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो बैक साइड भी काफ़ी ना वो लग रही है, चुभने वाली नहीं लग रही है। अभी मैं आपको ओपन करके इसे पहन के दिखाऊंगी तो आप बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल फिट हो जाएगा ये। मैं इसी पे ही अभी आपको ट्राई ऑन हॉल करके दिखाऊंगी, और नज़दीक से मैं आपको इसे दिखा रही हूँ। एक एक स्टोन काफ़ी अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे। ईयरिंग्स में आपको बड़े स्टोन लगे हुए मिलते हैं, और ये सारा हैंड पेंटेड वर्क मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर छोटे छोटे से मोती का काम हो रखा है। चलो अब थर्ड नेकलेस मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, मेरे पास काफ़ी कुछ है। और अमेज़ॉन से ज़रूर शॉपिंग कर लेना। थर्ड नेकलेस जो मैंने मंगवाया है ना, ये थोड़ा सा स्टाइलिश होने वाला है। इसे आप वेस्टर्न वेयर पे भी पहन सकते हो, अभी भी मैं पहन लेती। चोकर है ये, तो भी बहुत अच्छा लगता है। ये है गोल्डन और वाइट कलर के पर्ल्स का, ये आप देख सकते हो। ये थोड़ा ना गोल्डन नहीं है, ये थोड़ा सा कॉपरिश गोल्डन जो होता है ना वो है। इसमें मोती वर्क आपको मिलता है और स्टोन वर्क आपको मिलता है, ये आप देख सकते हो। एडजस्टेबल है ये, और बढ़िया चोकर, किसी भी तरीके की आपने ड्रेस पहन रखी है तो ये उसके साथ आप पहन लो, बहुत मस्त लगेगा। और इसकी अच्छी बात पता क्या है कि इसके साथ आपको ईयरिंग्स भी मिलते हैं। नॉर्मली फैशन ज्वेलरी जो होती है ना, उसके साथ आपको नेकलेस तो मिल जाता है बट ईयरिंग्स नहीं मिलते हैं। तब हम टेंशन में आ जाते हैं कि इसके साथ ईयरिंग्स कौन से पहने, तो इसके साथ आपको वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेकलेस भी बहुत मस्त है और बहुत ही एडजस्टेबल है। देखो,
इतना सा हो जाता है ये मतलब आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हो, अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। बहुत ही मस्त फिनिशिंग है इसकी, मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ, बिल्कुल मस्त फिनिशिंग होने वाली है। और इसके इयररिंग्स आप चाहे तो अकेले भी पहन सकते हो, जैसे कि इसके बहुत मस्त लग रहे हैं। मुझे ये नेकलेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, ये वाला तो मेरा फेवरेट है। वैसे मुझे पिंक वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो फिर अब तीसरी ज्वेलरी को ओपन करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। एक मैंने फैशन ज्वेलरी और मंगवाई है, इसमें बेसिकली एंजल लिखा हुआ है। मुझे आजकल ना इस तरीके के नेकलेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें आपको बटरफ्लाइज मिलती हैं बहुत सारी और एंजल लिखा हुआ मिलता है। मैं अभी आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इयररिंग है जिसमें सेम इसी तरीके की बटरफ्लाइज है, तो मैं ये उसके साथ पहन लूँगी। ये आप देख सकते हो, इसमें आपको ना काफ़ी लेयर में चेन्स मिलती हैं। ये आप देखिए, एक जो बटरफ्लाई है वो पिंक कलर की है, ये आप देखो, और बाकी सारी सिंपल गोल्डन कलर की है। मेरे पास इसी गोल्डन कलर का इयररिंग भी है, तो मैंने कहा ठीक है भाई उसके साथ पहन लूँगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है एंजल, तो ये बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली ना ये मैं मंगवाती हूँ ताकि कभी जब भी मैं ज्वेलरी पहनती हूँ ना, तो दिशा को भी थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि मम्मा मैं भी कुछ पहनूंगी, वो भी कहती है मैं भी कुछ पहनूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस तरीके की छोटी छोटी हल्की हल्की ज्वेलरी मैं उसके लिए मंगवा लेती हूँ। मैंने ऐसी बहुत सारी मंगवा के रखी हैं ताकि कभी जब मैं पहनूँ और मेरी बेटी की भी पहनने की इच्छा हो तो मैं उसे ये पहना सकूँ, कि वो है एंजल। ये आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारा है ये और काफ़ी सारी बटरफ्लाइज है इसमें और यहाँ पर एंजल लिखा हुआ है। तो चलो फिर अभी मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से भी दिखा रही हूँ साइड में। अब दिखाती हूँ हेयर एक्सेसरीज जो मैंने मंगवाई हैं। दो मैंने मंगवाए हैं जूड़ा पिन, ये आप देख सकते हो, इस तरीके की पैकिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है, इस तरीके के बॉक्स में उसके अंदर ये पैकिंग है और ये आप टांगने के लिए भी आपको मिल जाता है। मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये वाओ, ये आप देखो कितना मस्त लग रहा है ना। इसे बेसिकली आपने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, नॉर्मल आपने जूड़ा बना लिया है, उसमें आपने इसे इस तरीके से, ये पिन मिलती है ना, इस तरीके से अपने बालों में लगा लेना। मैं चाहे तो इसे ऐसे भी लगा सकती हूँ, कितना मस्त लग रहा है। मैं इसे यहाँ पर भी लगा सकती हूँ, मैं तो आपको लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे आपने इसे लगाना होता है। आपने सिंपल अपने जूड़े पर इसे इस तरीके से घुसा लेना है और बस ये आपका जूड़ा बन के रेडी हो जाएगा। मतलब क्या है ना, देखो इस तरीके की जो ज्वेलरी होती है ना, आपने कोई सिंपल सा भी जूड़ा बना रखा है उसके ऊपर आपने इस तरीके की ज्वेलरी यूज़ कर ली है, तो आपका जूड़ा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इसे तो यूज़ करना बेहद आसान है, मैं तो इसे अब एक वीडियो में ना इस तरीके से भी लगा के देखूंगी। मेरी ये ज्वेलरी बहुत मैच कर रही है और बेहद खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सेकेंड मैं आपसे बात करूँ अगर जूड़ा पिन की, वो दो का सेट है, सेट नहीं है बेसिकली, वो इस तरीके से है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, मैंने ज्वेलरी कोई भी ये ओपन नहीं करी है। एक्चुअली बहुत सारे कोरियर्स आते हैं तो मैं ना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैंने अमेज़ॉन से क्या मंगवाया, फ्लिपकार्ट से क्या मंगवाया, तो इसलिए मैं ना ओपन ही नहीं करती हूँ ज्वेलरी को। ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके की है, ओए मैं इसे इस तरीके से भी पहन सकती हूँ। मतलब हेयर एक्सेसरीज है तो आप इसे कैसे भी चाहो तो पहन सकते हो, ये आप देख सकते हो। अदरवाइज़ क्या है, जैसे आपने डोनट बन यूज़ करके जूड़ा बनाया है तो इसमें भी आपको इस तरीके से ये मिलती हैं क्लिप्स, बस आपने सीधे अपने बालों में इसे घुसा लेना है और ये आपके जूड़े की शान बढ़ा देगी, मतलब चार चांद लगा देगी। बहुत खूबसूरत है और बहुत ईजी है इन्हें यूज़ करना, मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा ना। तो आप इन्हें ऐसे यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से, बेहद खूबसूरत तरीके से। तो साड़ी हो, लहंगा हो, इस तरीके की ज्वेलरी यूज़ कर लो, आपके हेयर स्टाइल को ना एक अलग ही लुक मिल जाएगा। मतलब सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया है फिर भी आप इस तरीके की ज्वेलरी यूज़ कर लेते हो तो बहुत मस्त लुक आती है। लास्ट मैंने मंगवाया है थोड़ा सा फैशन ज्वेलरी, मुझे ये लग रहा था क्योंकि कई बार हम लोग वही गाउन वगैरह भी पहनते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके की ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ बेसिकली ये क्या है। इसमें आपको ना अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं, ये आप देखो, इस तरीके के आपको क्लिप्स मिलती हैं और बहुत सारी मिलती हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे कि चार हैं मेरे पास ये, और इसका ही सेम पैकेट दूसरा भी है, इसमें भी चार हैं आई थिंक। तो जैसे अगर मान लो आपने कोई हेयर स्टाइल बनाया है, जैसे आपने फ्रेंच चोटी बनाई है यहाँ से, तो आप इसे इस तरीके से अपने बालों में घुसा सकते हो, ये देखो बस इस तरीके से घुसा लीजिए अपने बालों में और बस आपका हेयर स्टाइल बनके रेडी है। जैसे अभी मैंने पीछे एक जूड़ा बना रखा है
तो मैं इसे यहाँ से इस तरीके से घुसा सकती हूँ, बस सिंपल इस तरीके से पूरे में लगा लो और बस आपका ये हेयर स्टाइल बनके रेडी है। फ़ोटो मैं इनकी ना साइड में लगा दूंगी जैसी भी अमेज़ॉन पे अपलोडेड होंगे, क्योंकि ये वाले की फ़ोटो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने इसमें भी सेफ साइड रहने के लिए गोल्डन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में मंगवाया है। स्टोन वर्क इसका अमेजिंग है, अमेजिंग, बहुत अच्छा स्टोन वर्क है इसका। तो ये 8 का पीस है, 8 का सेट है ये आप देख सकते हो, 4 इसमें है और 4 इसमें है। तो ये हेयर एक्सेसरीज आपके पास होनी ही चाहिए, मस्ट हैव है। और ये वाली ज्वेलरी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये है एक न्यूट्रल कलर की ज्वेलरी, तो आपके पास होंगी ना तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी कि यार हेयर स्टाइल बना रही हूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस तरीके की ज्वेलरी यूज़ करोगे, हेयर एक्सेसरी यूज़ करोगे तो अच्छा ही लगेगा। और इस तरीके के नेकलेसेस किसी भी ड्रेस के साथ पहन लोगे, जैसे मैंने तो टी शर्ट के साथ पहन लिया, सो तो टी शर्ट के साथ इतना मस्त लग रहा है, तो आपके सूट के साथ, साड़ी के साथ ही कितना मस्त लगेगा। तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, और अमेज़ॉन पे वैसे ही चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल, तो जाके ट्राई ज़रूर करना। इन सब के लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।